तो आइए जो है अब हम लोग जो आज करने वाले हैं क्वेश्चन, वो करने वाले किसके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है, देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास ट्वेल्थ का जो है, क्लास टेंथ का जो है कौन सा चैप्टर है, तो फिफ्थ चैप्टर है। अर्थमेटिक होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि जो नंबर आएगा वो कंटिन्यूटी नंबर में होना चाहिए, ठीक है। इट मींस सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को जब सबट्रैक्ट करेंगे और थर्ड में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दे, फोर्थ में से थर्ड को सबट्रैक्ट करेंगे, तो इन सब में कोई कामन, सब में कामन चीज़ आनी चाहिए। सबट्रैक्ट करने के बाद जैसे आप समझिएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, तो देखेंगे दो दो का अंतर आएगा सब में। टू टू फोर, फोर टू सिक्स, सिक्स सब में दो दो का अंतर होगा। ये क्या है? एपी है, ठीक है। ये क्या है? एपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा, इसमें कितने का डिफरेंस आएगा? थ्री का सब में आएगा, ये भी एपी है। फिर उसके बाद अगर फोर का टेबल पढ़े, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री टू, इसमें भी अगर हम सेकंड में से थर्ड को सब, फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर, थर्ड में से सेकंड, तो फोर का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये भी एपी में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से और कैसे हो सकता है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे कोई नेचुरल नंबर ले, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब, टू में से वन करेंगे वन आएगा, थ्री में से टू करेंगे वन आएगा, फोर में से थ्री करेंगे वन आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा एपी में है। अब बोले इवन नंबर का, हमें इवन नंबर कोई लिख दो, टेन तक फाइव तक, तो इवन नंबर में टू फोर सिक्स एट, ये देखेंगे जब डिफरेंस करेंगे इसमें भी टू का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब ये भी एपी में है। आड नंबर ले ले भैया, आड नंबर क्या होगा, तो वन थ्री फाइव, इसमें डिफरेंस करते हैं तो भी टू का ही डिफरेंस, इसका मतलब आड नंबर भी क्या होगा, हमारा एपी में है। तो इस टाइप के चीज़ का अगर हमको एनथ टर्म निकालना है या तो जो है सम निकालना है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एपी के अंदर रखते हैं, जिसमें क्या हो, जिसको हम डिफरेंस निकाले थे। अगर इसको ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये वाला हमारा थर्ड टर्म हो गया, और इसमें ये फोर्थ टर्म हो गया। डैश डैश करते करते चलेंगे ए प्लस, आप ध्यान से देखेंगे पहले टर्म में डी नहीं है, मतलब पहला बिना डी के है, तो लास्ट में एक कम हो जाएगा। अगर एन निकालेंगे तो एन में से एक कम होगा तब डी आएगा, क्योंकि पहला ये है तो लास्ट वाले में एन लिख देंगे तो पहले वाले से एक ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस वन एक कम कर दे। अब जो d है इसका नाम होता है कॉमन, कॉमन डिफरेंस इसका नाम पड़ जाता है तब, क्योंकि ये सब में होता है कॉमन। और an बोले या tn बोले या लास्ट टर्म बोले, लास्ट टर्म जो होता है, ये लास्ट टर्म जो होगा उसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म की वैल्यू होती है। तो देखिएगा ये हमारा इस टाइप का जो टर्म बनेगा, मतलब अच्छा और क्या देख सकते हैं, जब हमें d निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका एक और नाम लिख सकते हैं a1 a2 a3 और यहाँ पे a4 ऐसे डैश डैश करके, या तो लिखते हैं t1 t2 t3 t4, इस तरीके से नाम इसका होता है। और हम क्या करेंगे, जब d निकालना होगा तो a2 में से a1 सबट्रैक्ट कर लें, ए थ्री में से ए टू सबट्रैक्ट कर लें, ए फोर में से ए थ्री, तो सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे एपी में। या तो डी इक्वल टू मान ले सिंबल टी में है, तो टी टू माइनस टी वन हो, टी थ्री माइनस टी टू हो, या टी फोर माइनस टी थ्री, इस टाइप का अगर होता है तब भी समझिएगा एपी है। इसका मतलब है सब में क्या है, हमारा डी कामन आ रहा है। जब डी कामन आता है तब ये समझ जाइएगा कि ये एपी में है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताता है व्हाट इज़ इन एपी, क्या यह एपी में है क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछता है एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, एपी है तो बताओ, और है तो क्या करो आगे, और भी कैलकुलेट नहीं है तो छोड़ दो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही से आता है एपी में। तो देखिएगा हमारा सबसे पहले फार्मूला क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है क्या,
कि ये है ए टू माइनस ए वन और ए टू, अगर निकालेंगे तो ए टू माइनस ए वन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर अगर चेक करना है तो पूरा ऐसे चेक करेंगे या तो ऐसे करेंगे। और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी हो जाएगा लास्ट टर्म का, और इनिशियल में जो लिखने का तरीका है ये है, ठीक है ना। तो चलिए इरेज कर लेते हैं और हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चल के देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन पूछता है ना। तो एक्सरसाइज हमारी है 5.1, क्या है 5.1 है। तो आइए, और पेज नंबर है हमारा एक्सरसाइज का जो इस बुक में वो है कितना, चलिए बुक ले लेता हूँ, तो है पेज नंबर 99 है। कितना पेज नंबर है, 99 है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई, बताना है कौन सा जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है और क्यों है ये बताना है। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट ले लेते हैं, सबसे पहले इसमें वर्ड प्रॉब्लम देख रहा है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज एंड फर्स्ट किलोमीटर 8 फॉर ईच एडिशनल, क्या दिया है, टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट एंड 8 फॉर, इसका मतलब दिया है कि पहले 1 किलोमीटर चलने का इसको देना है 15 रुपया पे करना है, फिर उसके बाद ईच किलोमीटर, ईच 1 किलोमीटर बोल सकते हैं, ईच किलोमीटर का इसको कितना देना है 8 रुपया फिर आगे देना। इसका मतलब अगर एपी में इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आएगा क्या, पहले हमारा आएगा 15 फिर प्लस, फिर ये क्वेश्चन अभी लिखा था ना, तो 15 प्लस 8 ये हो गया हमारा दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए हो जाएगा कितने काम करते, चलिए तीसरा टर्म होगा वो कितना होगा 15 प्लस 2 इंटू 8, और तीसरे के बाद फोर्थ आएगा 15 प्लस 3 इंटू 8, इस तरीके से देखिएगा टर्म बनते जाएगा। मतलब पहले किलोमीटर 15 रुपया देना है, जब 2 किलोमीटर चलेंगे तो 15, 5, 20, 23 रुपया, देखिए पहले किलोमीटर 15 रुपया देना है, जब 1 किलोमीटर के आगे नहीं जाएंगे तो नहीं देना, पर अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15, 5, 20, 23, 23 रुपया इसको पे करना होगा। जब 3 किलोमीटर चले जाएंगे तो देखिए 8 × 2 = 16 ये रहा 15, 31 रुपया देना है, जब आगे चले जाएंगे तो 8 × 3 = 24 और ये हो गया हमारा 29 और 39 रुपीज़ तब इसको पे करना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऐसे करके चले जाएंगे, तो डिफरेंस देखिए क्या सेम है, तो पहले से ही बता दिया डिफरेंस सेम है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि उसने बता दिया कि 1 किलोमीटर के बाद जो है 8 रुपया हमेशा एडिशनल देते जाना है, तो हर 1 किलोमीटर 8 रुपया देंगे, तो इसका मतलब हम लोग को पहले से पता है कि ये क्या है, डी कामन है, इसका मतलब ये हुआ ये एपी में क्वेश्चन है, तो यस लिख देंगे एपी में है, इतना ही बताना है एपी में है कि नहीं तो यस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग सिलेंडर एट ए टाइम, बोला है कि सबसे पहले देखिएगा इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। बोला है कि अगर हम वॉल्यूम मान लें कितना, किसी चीज़ का वॉल्यूम अगर वी मान लिया, ठीक है, क्या बोल दिया कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन दिस एट ए टाइम, तो क्या करना है, यहाँ सबसे पहले बोला है कि हम मान लें कि टोटल वॉल्यूम किसी पंप से हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम वी है और पंप से क्या करना है 1/4 को रिमूव कर देना है, हर बार कर देना है, देखिएगा क्या दिया है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1/4, पहले वॉल्यूम इतना है तो 1/4 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा V/4 हो जाएगा, तो रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग कितना बच रहा है, जब रिमेनिंग निकालेंगे तो V-V/4 होगा, फिर इसके बाद इसका कितना होगा 3/4 आ गया, वी में इतना ये बच गया, फिर इसका 3/ फिर से एक बार 3/4 निकालेंगे, मतलब जो हर बार जो बचेगा उसका V/4 हमको लेना है, तो फिर कितना हो गया यहाँ पे, तो V/4 करना है तो आ गया कितना, देखिएगा यहाँ से हम
उसका वी बाई फोर टाइम निकालेंगे तो फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इस बार कितना होगा 3/16 v² हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने से, इतना 1/4 का लेना, देखिएगा 1/4 और कितना है जो है उसका 1/4 कर देना है। तो जिसका 1/4 हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 का 16 v हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3/4 v - 3/16 v कर लेंगे तो एलसीएम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, 12 माइनस कितना होगा 3, यहाँ पे v/16 देखिएगा 16 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना होगा 8/16 v। तो यहाँ काट के देखेंगे, यहाँ काट के देखेंगे कितना, यहाँ लिखता हूँ तो 1/2 v, देखिएगा यहाँ पे चेंजिंग आ गया। इसका मतलब ये हुआ पहले v था बाद में, पहले v था बाद में 3v/4 हो गया और फिर बाद में 1/4, इसका मतलब है इसमें चेंजिंग होती रह रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्या होगा, क्योंकि पंप से निकल गया ना तो वापस नहीं जाना है, उसका 1/4 पार्ट निकालते रहेंगे तो हमेशा कम होते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एपी में हो ही नहीं सकता। तो सेकंड वाला ये कंक्लूजन निकलता है कि एपी में नहीं होगा, ठीक है, आए समझ में। तो आइए थर्ड क्या है, अब देख लेते हैं इसका थर्ड क्या है। थर्ड क्या है, फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्या है, क्वेश्चन है द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन कास्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 550 फॉर ई सब। बोला है कि द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट 1 फॉर फर्स्ट, मतलब बोला है कि एक गड्ढा खोदना है यहाँ तक 1 मीटर खोदेंगे तो इनको दिया जाएगा 150 रुपीज़ देंगे, 1 मीटर का कितना देंगे 150 रुपीज़ दे देंगे, और उसके बाद ईच मीटर मतलब 1 मीटर का कितना देंगे 50 रुपये अलग से देंगे। अब इसको हमको लिखना हुआ तो पहले 1 मीटर खोदे तो कितना दिया गड्ढा 50 रुपये, पहले 150 रुपीज़ दिया, फिर 150 प्लस फिर क्या किया 2 मीटर खोद दिए तो देखिए इतना दे दिए 200 रुपया, फिर 3 मीटर खोदेंगे तो ये और 2 से मल्टीप्लाई 100 250 रुपया दिया, फिर 4 मीटर गड्ढा खोद दिया तो कितना हो गया 150 से 300। इसका मतलब है पहले मीटर का 1 मीटर के बाद हम नहीं खोदेंगे 150 रुपया लेके घर, अगर हम क्या कर देंगे 2 मीटर खोद दिए तो हमको कितना पैसा दे दिए 200 रुपया दिए, क्योंकि 1 मीटर का पहले से फिक्स है 150 देंगे, 1 मीटर और खोद दे तो 150 रुपया दे दिया। अब 3 मीटर खोद दिया, अब 4 मीटर अगर खोदेंगे यानी 2 मीटर होगा 3 मीटर खोदेंगे तो कितना होगा 150 रुपया, तो ये दिया ही दिया मान लीजिए और 100 रुपया और, तो ये हमको दे दिए भैया 250 रुपया दे दिए, क्या दिए 250 रुपया अगर हम 3 मीटर का गड्ढा खोद दिया अंदर तक। फिर अगला देंगे तो कितना होगा 4 मीटर खोद दिए तो हमको 300 रुपया पूरा मिल गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर बार 50 रुपया हर मीटर पे बढ़ता जाएगा जितना अंदर तक गड्ढे खोदते जाएंगे। इसका मतलब क्या है, एपी में है, क्योंकि 50-50 का डिफरेंस होने का मतलब ये किस में है, एपी में है। तो इसी तरीके से हम क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एपी का मतलब है कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। और इस तरीके से भी कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं, सेकंड में से थर्ड फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, थर्ड में से सेकंड को कर दिए, फोर्थ में से इसको करिए, जैसे 200 में से 150 सब्ट्रैक्ट 50 आ गया, 250 से 200 करेंगे 50 आ गया, 300 में से कितना 50 हर जगह आ रहा, इसका मतलब एपी में है। अगर यही क्या होता 50 नहीं आता तो एसी में नहीं होता। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है, तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना, तो ठीक है ना, आए समझ में, देख लीजिए एक बार, देख लिया फटाफट करके क्या दिक्कत है। इसका मतलब आगे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट जो है अब टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप लोग देख लीजिए आराम से करिएगा, है ना। तीर को आगे छोड़ने से पहले खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे दिनों से लड़ने के लिए, अच्छे दिनों को लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ओके गाइस, तो चलिए